हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं कच्चे चावल और आलू से बने पापड़ की रेसिपी लेके। ये पापड़ बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रंची, करारे, कुरकुरे, मजेदार होते हैं। इन पापड़ों को बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, एक साल से दो साल तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इन पापड़ों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने एक कप चावल ले लिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, चाहे वो टूटे हों, मोटे हों, बिल्कुल सस्ते वाले हों। इन चावलों को पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे दो तीन बार पानी से। तो यहाँ लीजिए, चावल हमने वॉश कर लिया है। अब इसको हम एक कुकर में डाल रहे हैं, क्योंकि इन चावलों को हम आज कुकर में ही पकाएंगे। आप चाहें तो इन चावलों को एक घंटे पहले भिगा दीजिए, इससे चावल थोड़ी जल्दी पक जाएंगे। और नहीं भिगाया तो भी कोई बात नहीं। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक मीडियम साइज का आलू, जिनको हमने रफली काट लिया है और दो तीन बार पानी से वॉश करने के बाद इसे पानी में भिगा के रखा था। इन्हें भी चावलों के संग हम पकाएंगे। और अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो उसी कप से नाप के पानी डाल रहे हैं जिस कप से चावल नापा था। यहाँ पे हम एक कप चावल के लिए 5 कप पानी का यूज़ कर रहे हैं। इस मेजरमेंट से पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच के लगभग नमक डाल दे रहे हैं। नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए। और ये देखिए, अभी पानी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे ही पकेगा सूख जाएगा। अब इसकी लीड लगा लेंगे और रख देंगे पकने के लिए। शुरुआत में हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें प्रेशर जल्दी बने, और जैसे ही प्रेशर बनेगा फ्लेम को हम लो कर देंगे। और इसे 3 से 4 विसल आने तक पकाने के बाद हम खोल के चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, चावल हमारे गल गए हैं, साथ में आलू भी गल गए हैं, पानी भी पूरे इसने सोख लिया है और बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा। अब इसको हम थोड़ा सा कलछी से चलाते हुए मैश कर लेंगे। इस तरह से आलू के टुकड़े थोड़े से और छोटे हो जाएंगे। तो अभी देखिए, चावल गर्म है, बढ़िया से मैश हो रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी थाली या प्लेट में। अब गरम गरम पे ही इनको हम अच्छे से मैश करेंगे। तो मैंने यह ग्लास ले लिया है, इस पर ऑयल लगा लेंगे। आप कोई भी कटोरी, लोटा, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर मैशर से दबाते हुए इसको मैश करना है। तो इस तरह से मैश करेंगे तो जो आलू के चंक्स हैं, चावल के जो दाने हैं, वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए कितने बढ़िया से ये मिक्स हो रहे हैं। आलू और चावल हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, इसलिए मैश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। एकदम स्मूथ सा डो यहाँ हमारा बन करके देखिए तैयार हो गया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। इस टाइम हमारा डो एकदम ठंडा हो गया है, तो लोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही आराम से लोई बन रही है। एक बार ऑयल लगाने के बाद 3 से 4 लोई हम बना लेंगे। और अब चलिए पापड़ बनाने चलते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक शीट लिया है, इस पर ऑयल लगाएंगे हल्का सा, लोई रखेंगे और दूसरी प्लास्टिक शीट रखेंगे। अब किसी भी प्लेट, थाली या फिर चकले से दबाते हुए हम पापड़ बनाएंगे। अगर आपके पास पापड़ मशीन है तो उससे बना लीजिए, और भी जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा पापड़ बना है। चलिए इसको फैला देते हैं। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है, इस पर हम पापड़ फैलाएंगे। या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट प्लास्टिक शीट पे ही लोई रख करके और एक छोटा प्लास्टिक शीट रख करके थाली या प्लेट से दबाते हुए पापड़ बना लीजिए, और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे पापड़ों को हमने बना लिया है। कितने अच्छे पापड़ बने हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के, इतने प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल व्हाइट कलर के बने हैं। आप चाहें तो इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसे अजवाइन, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती। और ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद पापड़ हमारे सूख गए हैं। इन्हें हमने पंखे की हवा में सुखाया है। अब एक बार पलट देते हैं। पलटने के बाद इन्हें हम 3-4 घंटे और सुखा लेंगे। और पूरी रात भर देखिए पंखे की हवा में सुखाने के बाद पापड़ हमारे सूख गए हैं। अब इन्हें हम उठा लेंगे और इकट्ठा करने के बाद इन्हें हम धूप दिखा देंगे। तो 1 से 2 घंटे की धूप दिखाना ज़रूरी है, अगर आप इन्हें स्टोर करने जा रहे हैं, ताकि पूरा मॉइस्चर इसमें से निकल जाए, इससे हमारे पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। तो 2 घंटे की धूप दिखाने के बाद देखिए यहाँ हमारे पापड़ सूख गए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं। पापड़ों में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, कहीं से भी न टूटे हैं न फटे हैं, जबकि इनको हमने पंखे की हवा में सुखाया है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पापड़ बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारी उंगलियाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत ही हल्के पापड़ हैं। चलिए अब इनको फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे और फिर लो फ्लेम पे पापड़ फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पापड़ डालते हैं, इनकी साइज कैसे बड़ी हो जा रही है, और बिल्कुल सफ़ेद पापड़ बने हैं। देखिए जैसे ऑयल में जाते हैं इनकी साइज बड़ी हो जा रही है,
और इन पापड़ों को बनाने के लिए हमने ना तो पापड़ खार का यूज किया है ना ही सोडा का, फिर भी बहुत ही फूले फूले पापड़ बनते हैं। और फ्राई करने के बाद देखिए पापड़ों की साइज कैसे बड़ी हो गई है, और फ्राई करने से पहले ये देखिए इसकी साइज इतनी छोटी थी, और जैसे हमने इनको फ्राई किया इनकी साइज बड़ी हो गई है, डबल से ट्रिपल बड़ी हो जाती है। बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं और इसमें जो आलू का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा होता है। अब इनकी क्रंचनेस देख लीजिए, देखिए जरा सा हाथ लगाते ही कैसे एकदम आसानी से टूट जा रहा है। बहुत ही हल्का कुरकुरा और क्रंची पापड़ है, मुंह में जाते घुल जाने वाला पापड़ है। तो अगली बार जब आपको भी चावल के पापड़ बनाने होंगे तो उसमें थोड़ा सा आलू डाल के बनाइएगा, देखिएगा उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।